So let's get into one of the most scenic, adventurous and amazing ride to the Gulmarg Gondola, Kashmir. I feel कि श्रीनगर में आते हैं लोग तो mostly अपना जो बजट लेके आते हैं उसे ट्वाइस करके जाएंगे अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. Come here and you can see how beautiful this place is. It's amazing. देख लीजिए बिकॉज द रेट्स बहुत ज्यादा आपको हाई बोला जाएगा. अब असली जन्नत यही पे है, गुलमर्ग कश्मीर. तो इनिशियल व्यू गुलमर्ग, वाओ द सीनिक ब्यूटी. लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं. तो ये मेनली अगर आपको क्योंकि स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते, आप नहीं ले बिकॉज आप स्नो एक्टिविटी सारी कर सकते हैं यहाँ पे, आप एंजॉय कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल. और आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है बिकॉज आज की ट्रिप में हम आपको लेकर चलने वाले हैं धरती का स्वर्ग कश्मीर, उसमें भी गुलमर्ग और वहां की जन्नत की सैर करने गोंडोला राइड से फेज 1 एंड फेज 2 बोथ राइड्स. इसमें हम आपको बताने वाले हैं टिकट बुकिंग का कम्प्लीट प्रोसेस जो कि वीडियो के एंड में होगा, नेक्स्ट प्राइस क्या रहेगा, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बुकिंग करते टाइम, फेज 1 फेज 2 को कैसे आप लिंक करके चले सो दैट आप अच्छे से टाइम देके एंजॉय कर सकते हैं, और वेटिंग लाइन से कैसे आप बच सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं. बुकिंग का प्रोसेस मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ. तो चलिए इस राइड को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू वन ऑफ द मोस्ट सीनिक, एडवेंचरस एंड अमेजिंग राइड टू द गुलमर्ग गोंडोला कश्मीर. तो अभी अगर बात करें टेम्परेचर की तो 3 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर का और बहुत ही ठंड है. और अभी निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए गोंडोला राइड. तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि लाइक हम कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिविटीज क्या क्या करेंगे, रेट्स क्या रहेंगे, चार्जेस क्या रहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोर करें. और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रेसेस पहने हैं, बट हाँ इट्स बेयरेबल और अच्छा एंजॉय करने वाला वेदर है. सो ये चलते हैं और आपको बाकी अपडेट्स रास्ते में मिलते हैं. वहाँ पे हमें गाइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ट्रैकिंग के लिए, करना चाहिए तो फिर क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, क्या चार्ज रहते हैं वो देखते हैं. श्रीनगर सिटी से निकल चुके हैं अब गुलमर्ग के रूट में. और अगर श्रीनगर सिटी में कुछ आपको ट्रैफिक मिलेगा तो डिपेंड करता है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं या फिर ऑफिस आवर्स में. अगर आप ऑफिस आवर्स पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिले, तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही डिपार्ट कर जाए श्रीनगर सिटी से गुलमर्ग के लिए या फिर सुमर आपको जहाँ भी जाना है. रोड्स कंडीशन बहुत स्मूथ है, एकदम वेल मेंटेन हाईवे. तो श्रीनगर हाईवे से आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है जहाँ आपको एक गेटवे दिखेगा, गेटवे टू गुलमर्ग. ओके, और ठीक यहाँ से आप अगर सीधा जाते हैं स्ट्रेट तो उड़ी पहुँच जाएंगे. आप किलोमीटर्स देख सकते हैं, बारामूला, उड़ी, गुलमर्ग. तो ये गुलमर्ग का टोल पोस्ट है जहाँ पे टोल लगता है, और इसे हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पहुंच चुके हैं. यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक तो स्ट्रेच आएगा आपको गुलमर्ग के लिए और आगे से जो लिफ्ट कट आएगा वहां से आप जा सकते हैं ड्रंग वाटरफॉल.
तो स्नो में जाने के लिए आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप स्नो बूट ले लें, जिसका रेंट का प्राइस रहता है 150, और इसके अंदर वाटर प्रूफ सॉक्स रहता है, जो आपको रेंट पे नहीं आपको परचेज ही करना, वो आपके पास ही रह जाएगा, उसका भी चार्ज 150 है। और अगर आप चाहें तो जैकेट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इसका रहता है 550 उन्होंने बताया, बाकी डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज किया, 550 जैकेट। तो डेनमार्क से गुलमर्ग का जो डिस्टेंस है अराउंड 12-13 किलोमीटर है, जो कि अराउंड 40-45 मिनट में आप कवर कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन कि स्नो उस दिन कितना ज्यादा हुआ है, अगर बिकॉज जाम हो सकता है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और बेटर है कि आप डेनमार्क से ही स्नो बूट्स और जैकेट आपको अगर लेने हैं तो आपको सही रेट में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। सब कुछ घूमोगे, आपको ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हो ना, सनसेट पीक है, सुबह सबसे पहले किरण यहाँ पे पड़ती है, और इस जो ये जो मोड है इसका नाम जिग मोड पड़ता है, जिग मोड। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ गुलमर्ग। तो ये है गुलमर्ग का कार पार्किंग, जहाँ अगर आप अपने व्हीकल से भी आते हैं या फिर कैब हायर करके आते हैं तो आपको लास्ट यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। गुलमर्ग का टैक्सी पॉइंट है, यहाँ से आपको पहले आप देखते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन देते हूँ कि आपको पैकेज अगर लेना है तो कैसे लेना है, बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत एजेंट्स मिलेंगे, तो उनके थ्रू आप ले पर देख लीजिए, बिकॉज द रेट्स बहुत ज्यादा आपको हाई बोला जाएगा। आप यहाँ देखे जो भी डिटेल्स है और जो भी पैकेज है या फिर पॉइंट टू पॉइंट आवर रेट है स्लेज का, पोनी का, तो रेट फिक्स है, आगे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज आई फील कि श्रीनगर में आते हैं लोग तो मोस्टली अपना जो बजट लेके आते हैं उससे ट्वाइस करके जाएंगे, अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आई एम टोटली हियर टू शेयर इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके श्रीनगर के ट्रिप के लिए, बिकॉज ये मस्ट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आपको यहाँ पे इतने स्कैम्स जो हमने भी यूट्यूब पर लिखा था स्कैम, तो इट्स ट्रू यहाँ बहुत स्कैम्स होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके और फिर यहाँ ट्रैवल करें, आप सेफली और बहुत अच्छे से अपने ट्रैवल को एंजॉय करेंगे। हम आगे चलते हैं, अभी हम और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से, तो हम चलते हैं उस प्लेस पे। तो यहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, बट हम बात करके आए, वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं कि जो गुलमर्ग या नियर बाई प्लेसेज में पैकेज लेते हैं उसका क्या रेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट होना चाहिए, टैक्सी का, ATV राइड का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपने देखा टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से एग्जिट का जो गेट है जहाँ पे गुलमर्ग के डिटेल्स है कि यहाँ से कौन से पॉइंट्स कितने किलोमीटर पे है, और हम अभी जा रहे हैं वे टू गेंडोला, गेंडोला राइड के लिए यहाँ से आप लेके जाएंगे। तो इनिशियल व्यू गुलमर्ग, द सीनिक ब्यूटी। एक्चुअली जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, या यहाँ से कोई भी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकता है, तो एग्जिट ऑनली पॉइंट से गेंडोला राइड जहाँ पे मिलता है वो अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। आप व्हीकल भी कर सकते हैं, आप बाय फुट भी वॉक कर सकते हैं, बेटर ये होगा कि आप बाय फुट वॉक कर लें, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज नहीं है, फिजिकली अगर आप ओके भी हैं कोई इशू नहीं आएगा, वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको ट्रैकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, इनकेस अगर कोई सीनियर सिटीजन है या कोई बच्चे हैं या फिर किसी को भी किसी तरह का मेडिकल इशू अगर हो जाता है, अनफॉर्चुनेट ना हो बट इनकेस अगर हो जाता है तो ठीक यहाँ पे अप्रोक्स एग्जिट पॉइंट से जहाँ से हमने एंट्री स्टार्ट की है वहाँ से अप्रोक्स 250-300 मीटर पर आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आप अगर गुलमर्ग आते हैं तो यू कैन सी आपको नीचे बहुत सारी स्नो मिल जाएगी, बिकॉज रिसेंटली अभी स्नोफॉल हुआ है यहाँ, तो अभी बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज आप नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप गोंडोला बुक नहीं आपकी हो पा रही है या तो आप यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो
तो यहाँ पे स्टे के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और जिनके रेट्स काफी हाई रहते हैं। विंटर में भी तो 12,000-15,000 ऐसे रहते हैं। यहाँ से गेंडोला राइड 300 मीटर है। और ये ATV बाइक्स हैं यहाँ पे, जहाँ से आप यहाँ के पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। यहाँ से गेंडोला राइड करते हैं, यहाँ से एंट्री होती है, आप मैं आपको दिखा, एंट्री वहाँ से होती है, आपके पास ऑनलाइन टिकट होना चाहिए। ये सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग रहती है, और जो टाइम रहता है राइड का ट्रेवलिंग टाइम, वो गेंडोला यहाँ से फर्स्ट फेज के लिए अप्रॉक्स 9 मिनट की राइड रहती है, जो आपको पहुँचा देगा फेज वन के लिए। और फेज टू अगर जाना है तो दो चीज़ें हैं, आपको अप्रॉक्स 13-14 मिनट्स की राइड रहेगी, और अगर आपको फेज टू राइड लेना है तो आपके पास फेज वन होना ही चाहिए। आप पता है कि समर में नीचे में स्नो बहुत ही कम, ना के बराबर रहता है, नहीं रहता है, फेज वन में भी रेयर लक बाई चांस हो सकता है। तो जो भी एक्टिविटीज होंगी, अगर आपको स्नो देखना है तो फेज टू आपको जाना होगा, और एक्टिविटीज फेज वन पे होती है। बट विंटर में क्या होता है, जैसा आप बैक में देख सकते हैं, नीचे में भी काफी हेवी स्नोफॉल, क्योंकि 17 को स्नोफॉल हुआ था तो नीचे काफी स्नो है, तो नीचे में भी काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, लाइक ETV बाइकिंग हो गया। हाँ, स्कीइंग है तो उसके लिए आपको फेज टू जाना होगा, क्योंकि स्कीइंग के लिए काफी स्लैंट हाइट होना चाहिए और काफी हेवी स्नो लेवल होना चाहिए। गेंडोला पॉइंट हम यहाँ से लाइन लगती है वहाँ खड़े हैं। यहाँ एक मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, यहाँ की जो लाइन आपको गेंडोला के लिए लगेगी तो अराउंड 2-3 आवर्स की लंबी लाइन आपको वेटिंग लाइन रहेगी। आप टिकट ऑनलाइन लिया है बट उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है उसमें हमें लाइन में लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये मेनली अगर आपको किसी स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते, आप नहीं ले, बिकॉज आप स्नो एक्टिविटीज सारी कर सकते हैं वहाँ पे, आप एंजॉय कर सकते हैं। और मेन सावर में अगर को लाइक मई जून आपको जाना है और स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नीचे तो आपको पूरा ग्रीनरी, फ्लावर्स, वैलीज व्यू ले सकते हैं, बट ऊपर आप फेज टू तक अगर जाते हैं गेंडोला राइड से समर के टाइम, तो आप वहाँ एक्टिविटीज कर सकते हैं और स्नो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ड्यूरिंग समर। सो फॉर विंटर यू कैन एंजॉय स्नो एक्टिविटीज एंड बहुत सारी स्कीइंग, बहुत सारी ATV राइड्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर। तो चलिए देखते हैं गोंडोला राइड के लिए कितनी लंबी वेटिंग लाइन है और हम किस टाइम तक पहुँचते हैं। हमने मॉर्निंग का स्लॉट लिया था फेज वन के लिए, जो कि मैं आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। फेज वन फेज टू के बीच में जो आप ड्यूरेशन ले, स्लॉट टाइमिंग का थोड़ा सा गैप रखें, सो दैट आप अच्छे से, कोई आपको ऐसे हरी ना हो कि वेटिंग लाइन ज्यादा है, तो वेटिंग लाइन काफी ज्यादा मिलती है ड्यूरिंग विंटर। सो आप सबसे मॉर्निंग का स्लॉट ले, ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाए, टाइम पे पहुंच जाए अपने स्लॉट के टाइम पे। और वेटिंग लाइन आपको ड्यूरिंग विंटर काफी लंबी मिलने वाली है, 2 आवर्स तो आप हमें भी लग गए थे। तो बेटर है फेज वन की बुकिंग जब आप करें तो मॉर्निंग का स्लॉट आप ले और टाइम से वहां पहुंच जाएं। और जो आपने गोंडोला राइड की जो टिकट बुकिंग की होगी उसका प्रिंट आउट लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में ही बारकोड इनको शो कर सकते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग वेटिंग उसके बाद जो व्यूज मिलते हैं दैट्स टोटली वर्थी, और आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं स्नो केप माउंटेन्स, मेसमराइजिंग माउंटेन्स व्यूज को। गुलमर्ग गंडोला इज एशियाज हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट केबल राइड, जो कि आप एंजॉय करने वाले हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग विंटर एंड ड्यूरिंग समर, आप लश ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। फेज वन 8,500 की फीट पे है, जहां की आप काफी सारी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट फेज टू के लिए मूव करें, अदरवाइज आप यहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे स्नो बाइक, स्की, स्लेज राइड, ये सब एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फूड के भी ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कुछ खा पी के फिर आगे फेज टू के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि फेज टू का आपने क्या टाइमिंग स्लॉट चूज किया है। सो नाउ हम प्रोसीड करते हैं फेज टू की राइड के लिए। ये राइड अराउंड 12 मिनट्स की होती है, जिससे अराउंड हम 13,500 की फीट पे अपर्वत पर्वत है वहाँ पहुँचते हैं। और फेज टू पे जिनको मेडिकल हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, उनको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की आपको कमी फील हो सकती है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, बहुत ठंडी होती है, तो जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो भी लाइक 5 years, 6 years से कम के हैं, तो उनको नहीं ले जाए। बाय द वे जो हेल्दी हैं, जो एडवेंचर लवर हैं, उनको श्योरली इस प्लेस को अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर जाना चाहिए, जरूर इस एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, बिकॉज ये आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बादलों के बीच से, क्लाउड्स के बीच से बिल्कुल सन के पास जा रहे हैं, और आप व्यूज देख सकते हैं, कितना मिसमराइजिंग व्यू है ये।
सो ड्यूरिंग विंटर अगर आप फेज टू विजिट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने आप काफी अच्छे से कवर करके जाएं, हैंड ग्लव्स, स्नो बूट्स और प्रॉपर जो विंटर के क्लॉथ होते हैं वो जैकेट्स वगैरह पहन के जाए, बिकॉज फेज वन एंड फेज टू में आपको काफी गैप मिलने वाला है, वेदर डिफरेंस मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, हवा बहुत तेज होती है, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को पूरा अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाए। और यहाँ पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम रिटर्न हो जाएंगे फेज वन के लिए, और फेज वन में आप चाहे तो कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड फाइनली हम फिर इवनिंग होने से पहले जो भी आपका स्लॉट है हम फेज वन से गुलमर्ग के लिए रिटर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम गोंडोला राइड की बुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए गुलमर्ग गंडोला राइड की जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप पे जाएंगे, इसमें कैंसिलेशन पॉलिसी नीचे आप पढ़ लेंगे, देन बुक नाउ के लिए हम प्रोसेस करेंगे। फिर इसमें आपको फेज वन एंड फेज टू रूट चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको फेज टू जाना है तो भी आपको फेज वन लेना ही होगा, पहले हम फेज वन बुक कर सकते हैं तो ही आप फेज टू की बुकिंग कर पाएंगे। तो चलिए हम फेज वन के साथ प्रोसीड करते हैं। तो फेज वन की बुकिंग के लिए हम फेज वन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे डेट्स चूज कर सकते हैं जो भी आपका विजिट डेट है। इसमें सारे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो बेटर है कि आप पहले प्रायर बुकिंग करें। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, 5 मार्च का जैसे मैंने ऑप्शन चूज किया, हमें फेज टू भी जाना है तो हम पहले जो फर्स्ट स्लॉट है फेज वन का 9 AM से 11 AM की बुकिंग हम लेंगे, सो दैट हमारे पास टाइम काफी ज्यादा हो और हम आराम से फेज वन एंड फेज टू को एंजॉय कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। तो चलिए हम फर्स्ट स्लॉट जो है 9 AM से 11 AM को चूज करते हैं एंड आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ डिटेल्स आएगी फीड करने के लिए, जैसे आप इंडियन है, फॉरेनर है, देन आपका नेम, एक लॉग इन विजिटर नेम से आप वही नेम मेंशन करेंगे जो आपके आधार पे होगा, एंड आपको आधार कैरी करना होगा। आप मैक्सिमम 5 पर्सन को इसमें बुकिंग कर सकते हैं अपनी आईडी से, अपनी लॉग इन से, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि आपका पीडीएफ आएगा, मेल आईडी पे आपका पीडीएफ आ जाएगा। चार्ज है 800 वन पर्सन का फेज वन के लिए। देन हम प्रोसीड करेंगे, पेमेंट करेंगे और आपके टिकट आपके मेल आईडी एंड आपके नंबर पे भी मैसेज कंफर्मेशन आ जाएगा। फेज टू के लिए हमें बुक नाउ पे अगेन जाना है, देन फेज टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फेज टू आप तभी बुक कर पाएंगे जब आपके पास फेज वन का एक ट्रांजेक्शन आईडी नंबर होगा जो कि आपके टिकट पे मेंशन होगा। सेम डेट रखेंगे, स्लॉट आप थोड़ा सा आगे का चूज करें फेज टू के लिए, देन आपको कंफर्म करना होगा कि आपके पास अब फेज वन की बुकिंग है, और एक नीचे बॉक्स आएगा जिसमें आपको फेज वन की ट्रांजेक्शन आईडी, टिकट आईडी आप कह सकते हैं, वो मेंशन करना होगा, देन आफ्टर आप पेमेंट करके बुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बुकिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके कोई रिलेटिव या नोन कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए बने रहे हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। सो दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लवर्स, स्टे हेल्दी स्टे चीयरफुल। हमारे बैक में आप देख सकते हैं, तो आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रंक वाटरफॉल की। अगर आप वहाँ जाते हैं तो क्या आपकी जो आपने श्रीनगर से कैब बुक की है वो आपको वहाँ तक ड्रॉप करेगी, या फिर अलग से कैब लेना होगा तो उसके क्या चार्जेज होंगे, वो सारा कुछ मैं आगे आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगी। और जो टूर पैकेज लेना है तो उसके रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोज में रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे चीयरफुल।